अब खापरखेड़ा का नाम भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो खापरखेड़ा का नाम भी पूरे विश्व में पहचाना जाएगा और इसे पूरा करने का प्रयास भारत देश की बेटी कर रही है। महाराष्ट्र का पहला बिजलीघर होने का इतिहास खापरखेड़ा ने बनाया है और अब खापरखेड़ा का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो, इसलिए विदर्भ की बेटी और दुनिया की पहली आइस लिमो स्केटर सृष्टि शर्मा अब खापरखेड़ा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। गुरुवार को सुबह 50 मीटर दूरी का लिमो स्केटिंग ट्रायल खापरखेड़ा परिसर के मिलन चौक स्थित मुन्ना गैरेज के सामने सीमेंट रोड पर लिया गया। इस ट्रायल में 8.34 सेकंड में दूरी तय की गई, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए यह दूरी उसे 7.98 सेकंड से भी कम समय में पूरी करनी है। सोमवार को फिर से टाइमिंग ट्रायल लिया जाएगा। आज सृष्टि वर्मा ने अपने होने वाले 6वें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल उसका सफलतापूर्वक प्रयास किया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा निर्धारित 50 मीटर की दूरी 7.984 निर्धारित की गई है। इस रिकॉर्ड को सफलतापूर्वक ब्रेक करने की आज पूरी की। इससे पहले उमरेड में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस अभियान के तहत फास्टेस्ट टाइम टू लिमो स्केट अंडर 10 बार इसका निर्धारित समय 1.720 था और सृष्टि ने 1.694 सेकंड लाकर इतिहास रचा। आज 50 मीटर फास्टेस्ट टाइम टू लिमो स्केट का आज पहला ट्रायल था और आने वाले दूसरे ट्रायल में 50 मीटर का जो समय 7.984 है इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। खापरखेड़ा वासी और बीसीएन की टीम के अलावा उनके करीबी लोग आशा करते हैं कि होने वाले दूसरे ट्रायल में इस समय को ब्रेक कर लेंगे। स्केटिंग मेरा पैशन है और मैंने स्केटिंग 2009 से शुरू की हूँ और लिम्बो स्केटिंग 2011 से। मेरा सबसे पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल रहा है लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग अंडर 10 मीटर्स, जो मैंने 16.5 सेंटीमीटर के नीचे से कवर की। दूसरा था 2015 में लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 25 मीटर्स अंडर 17.78 सेंटीमीटर। फिर तीसरे रिकॉर्ड के लिए मैंने आइस स्केटिंग के लिए ट्राई की, आइस लिम्बो स्केटिंग के लिए, लेकिन वो रिकॉर्ड के लिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि मुझे उस टाइप के स्केट्स नहीं मिले, मुझे उस टाइप की फैसिलिटीज़ नहीं मिली। फिर एक साल के बाद मतलब मेहनत करके फिर स्केट्स मुझे मिले, फिर मैं वो स्केट्स को यूज़ करके 2017 में लोएस्ट लिम्बो आइस स्केटिंग ओवर 10 मीटर्स का रिकॉर्ड बनाई अंडर 17.78 सेंटीमीटर्स। और ये रिकॉर्ड बनाने के बाद मैं बन गई वर्ल्ड्स फर्स्ट आइस लिम्बो स्केटर और ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। और भी मैं अचीव करना चाहती हूँ लेकिन अभी तक का ये मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। फिर मैंने 2020 में फास्टेस्ट टाइम टू लिम्बो स्केट अंडर 10 बार्स का रिकॉर्ड 1.78 सेकंड्स के अंदर कवर की, 1.720 सेकंड्स के अंदर कवर की। और मेरा फ्यूचर एंडिवर है कि मैं अभी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूं, वो है फास्टेस्ट टाइम टू लिम्बो स्केट अंडर 10 बार्स इन 1.720 सेकंड्स। अभी मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है फास्टेस्ट टाइम टू लिम्बो स्केट अंडर 15 मीटर्स और फास्टेस्ट टाइम टू लिम्बो स्केट अंडर 20 कार्स इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसके साथ ही मैंने रोलर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप में 3 बार पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और 1 टाइम नेशनल शॉर्ट ट्रैक आई स्पीड स्केटिंग में। लिम्बो स्केटिंग के साथ ही साथ रोलर हॉकी में 3 बार नेशनल चैंपियनशिप और शॉर्ट ट्रैक आई स्पीड स्केटिंग में 2 बार नेशनल चैंपियनशिप में भाग ले चुकी हूँ और मैं अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल जीतना चाहती हूँ। खापरखेड़ा से बीसीएन न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।